छह सूत्री मांगों को लेकर जलसहिया ने मंत्री आवास के समक्ष दिया धरना। चतरा झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ ने छह सूत्री मांगों को लेकर जतरा ही बाग स्थित राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास के समक्ष धरना दिया। जिला अध्यक्ष वंदना देवी ने कहा कि मानदेय के अलावा बीमा, अनुकंपा, चिकित्सालय की गारंटी, रिक्त पदों पर वरीयता व योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर जिला मंत्री सविता देवी, जिला सचिव बसंती देवी समेत कई जलसहिया शामिल थे। हम लोगों का छः सूत्री मांग है, इसमें बीमा से लेकर के हम लोग का बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि, यात्रा भत्ता, ये सब सभी चीज़ शामिल है, छः सूत्री मांग है। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ सरकार के को जो है कि जिताने का काम किया, और जब सरकार जो है सत्ता में आ गए हैं तो अभी सत्यानंद भोक्ता के जी के यहाँ हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, और उनको इस बात की जानकारी भी थी, उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ ना खुद से वो आए हैं हम लोगों का संलेख लेने के लिए और ना ही किसी प्रतिनिधि को यहाँ भेजे हैं। हम लोग बहुत धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत कष्ट के साथ, और अब जो है कि हम लोगों का उम्मीद टूट रहा है इस सरकार से, कहीं ना कहीं उम्मीद टूट रहा है। ये तो हमारे क्षेत्रीय विधायक थे, इनको तो कम से कम हम लोगों पे ध्यान देना चाहिए था। हम लोग गांव, क्षेत्र, कस्बे से उभर के जलसैया लोग जो भी हैं, गांव की महिला हैं और गरीबी तख्ता से उठकर यहां पे आते हैं, अपने गांव में काम भी करते हैं, सरकार के आदेश को भी मानते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों का कुछ सुना नहीं जा रहा है। आज 11 बजे से यहाँ भोक्ता जी के आवास के गेट पर बैठे हुए हैं, और हम लोग का मांग है छः सूत्र। छः सूत्र में एक भी सूत्र अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, और इसके बावजूद भी भोक्ता जी अभी तक ना हम लोग को देखने तक के क्षेत्रीय विधायक, घर गांव के विधायक के नाते कम से कम देखने आते ये भी नहीं, संलेख लेने आते ये भी नहीं। और हम लोग इतना मतलब समझिए कि गांव घर में जितना भी शौचालय से संबंधित काम हो या साफ सफाई से संबंधित काम हो या जागरूक से संबंधित काम हो हम लोग करते हैं, और हम ही लोग के ऊपर सरकार या हम लोग का जो विधायक जी हैं उनका ध्यान नहीं रहता है। आने वाला दिन अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हमारे देश और गांव में लगता है कि गंदगी से उभर कर कितना सारा बीमारी होगा वो हम लोग भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लोग का छः सूत्री मांग है, सबसे पहले हम लोग का 50 महीना का मानदेय बकाया है उसका मांग है। दूसरा है हम लोग जो प्रोत्साहन राशि में कन्वर्ट किया है वो प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, मानदेय चाहिए। और तीसरा हम लोग का जो साल में 2 पोशाक देना था, साल में एक भी नहीं मिल रहा है, आज 11 साल में 1 साड़ी मिला है 12 साल में। और हम लोग का झारखंड सरकार का लेटर निकला है कि सभी जलसैया को मोबाइल मिलेगा, मोबाइल से संबंधित काम कर जितना भी काम है ऑनलाइन करना है और मोबाइल से ही करना है, इसलिए मोबाइल देने का कहा गया, लेकिन लेटर निकले 3रा मंथ हो गया है, अभी तक ना मोबाइल मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है।